शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जॉनी भाई, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं जॉनी नहीं, आपने मुझे जाना नहीं, पहचाना नहीं। मैं हूँ मस्त कलंदर, कभी बाहर कभी अंदर, दिखता हूँ पलंबर। आपका लग गया है रॉन्ग नंबर। अरे जॉनी भाई, कहाँ जा रहे हो? ऊपर आसमान, नीचे धरती, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है भर्ती। मिस्टर अर्जुन, आप लोग यहाँ? जॉनी भाई, आप यहाँ तो फिर ये वो मोनी होगा, मेरा हम शक्ल। एक साथ देखोगे तो कहोगे तुम सा नहीं देखा। मुझे फिल्मों का प्रोड्यूसर बनना है और उसे गीतकार। वैसे आपने मुझे फिल्म बनाने के लिए फाइनेंस देने का वादा किया था, वही निभाने आए हो क्या? वो वादा तो मैं पूरा करूंगा ही, लेकिन इस वक्त हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। वो पुलिस से बचने के लिए तुम यहाँ रहने आ गए हो? एक मिनट, क्यों, क्या हुआ? मैं इस मामले में मेरे भाइयों से पूछना बहुत जरूरी है, अभी आया। सुबह सुबह जब ककड़ी खाऊं भाजी वाली लड़की, हाय हाय हाय, दिल मेरा बोल ले हेलो हाउ आर यू। अरे कौन है तू? वो जॉनी भाई आपको अंदर ढूंढ रहे मेरे ख्याल से। अच्छा जॉनी जी, परदेसी परदेसी, जाना नहीं जाना नहीं। अरे वहां नहीं, उसका अरे मोनी, अभी तो तुम उस कमरे में टॉवल में। वो टॉनी होगा। टॉनी? ये है जॉनी, ये है मोनी, मैं हूँ टॉनी। आपके दोस्त हैरान हैं, परेशान हैं। वो इसलिए कि हम एक ही शक्ल के तीन इंसान हैं। मगर भाई, इस अनजान का, इस मेहमान का, कदरदान का नाम क्या है, पहचान क्या है, अरमान क्या है, डिमांड क्या है? एक मिनट, यहाँ ये इनकी डिमांड है, कुछ दिनों के लिए हम इन दोनों को अपने घर में छुपा लें। क्यों, क्या दोनों स्मगलिंग का माल है? क्या ये बम या हथियार है? ये दोनों पुलिस से भागे हुए हैं। पुलिस से? अर्जुन इस शहर के बहुत बड़े करोड़पति के बेटे हैं। आज हम इनको सहारा देंगे तो कल ही हमको फाइनेंस देंगे। मेरे को प्रोड्यूसर, तेरे को म्यूजिक डायरेक्टर और तेरे को लिरिक्स राइटर बना देंगे। वेरी गुड, ठीक है, ओके। हम भाइयों ने फैसला कर लिया है, आज से घर तुम्हारा, पंखा तुम्हारा, ट्यूबलाइट तुम्हारी, टीवी तुम्हारा, बल्ब तुम्हारा, बाल्टी तुम्हारी, लोटा तुम्हारा, थाली तुम्हारी, चमचा तुम्हारा, और हम तुम्हारे चमचे। मतलब आज से हम भी तुम्हारे, घर भी तुम्हारा। थैंक यू जॉनी भाई, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। अरे हाँ, तू अब तक सोया नहीं? नहीं, मैं बाबूजी को गुड नाइट बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, गुड नाइट कहकर फौरन जाकर सो जा। अच्छा बाबूजी, गुड नाइट। गुड नाइट बाबूजी। बाबूजी, सॉरी बाबूजी, वो क्या है ना, आज मैंने दूध नहीं पिया था ना। पी ले बेटे, पी ले। और अब रात हो चुकी है, तू इसके बाद जाके सो जा। अच्छा बाबूजी, गुड नाइट बाबूजी। गुड नाइट। हालात के साथ जो चाल बदले ना, वही अच्छा खिलाड़ी होता है। यकीन मानो, अर्जुन की लाश देखकर ये बूढ़ा जरूर मर जाएगा और फिर ये सारी दौलत पर सांप बनकर बैठ जाएगा। इसाकर श्रीवास्तव, बिजनेस पर दस्तखत होंगे तुम्हारे और राज करेंगे हम।
स्टेशन। सागर श्रीवास्तव आज दिन के साथ। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। वो कहते हैं ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसता उसी को है जो दूध पिलाता है। मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ने वाले, मेरे बेटे अर्जुन को मुजरिम बनाने वाले, कानून के हवाले कर दूंगा मैं तुझे, सजा मौत दिलवाऊंगा मैं तुझे। सजा? सजा गवाह और सबूत जैसी दो बैसाखियों की मोहताज होती है सेठ जी, और हम तो बैसाखियां ही तोड़ देते। मरने से पहले एक और राज की बात भी जान लो सेठ जी, और फिर स्वर्ग में बैठ के पछताते रहना। इसे जानते हो? ये भी शामिल है हमारी साजिश में। सफेद साड़ी में लिपटी हुई ये पवित्रता की मूरत, तुम्हारे बेटे विजय के खून के दाग इसके दामन में भी छिपे हुए हैं। इसके तुम दोनों सदाए मौत दिलवा के रहूंगा मैं। चिल्लाइए मत, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप भी क्या करें, वो कहते ना कि चराग जब बुझने को आता है तो उसकी लौ ज्यादा फड़फड़ाने लगती है। और फिर कहां जा रहे हो? बाप की चिता को बेटा ही आग देता है चाली भाई। मरने के बाद मेरी चिता को आग लगाएगा।